ये देखो भाई, लेग्स के बाद जो है ना चला नहीं जाता है। नहीं, मैं नहीं मानता। पाकिस्तान इंडिया का मैच और उसके बाद जिम्बाब्वे ने भी जो हमारा जो हाल किया, ऐसी अपमानजनक बातें करा लोटा। प्री वर्कआउट में मेरे पास ये बॉयल एग्स रखे हैं और सैंडविच है, चिकन सैंडविच। लेग्स बच्चों का खेलनी है, ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी जैसे मैंने लेग्स लगाया है तो लिटरली ना मैं सीढ़ियाँ उतरी जा रही थी और ना गाड़ी चलाई जा रही है। अच्छा, काफी टाइम जिम के लिए कम मिलता है, थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है। आज कपूर ने आपको देखा, कल सारी दुनिया देखी। कल महबूब स्टूडियो आके मिलना, लाइफ बना दूंगा। What's up good people, here your boy Saad Hasan, welcome back to my new video, hope you guys are doing well, I'm good alhamdulillah। आजकल हर लड़का बहुत सैड लग रहा है, बहुत उदास लग रहा है और उसकी वजह सिर्फ यह है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच और उसके बाद जिम्बाब्वे ने भी जो हमारा जो हाल किया तो लोगों को काफ़ी शॉक हुआ और काफ़ी सैडनेस फील हुई है और डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। तो भाई, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लें, अपने आप को इतना हल्का ना करें कि कोई भी आपके दिलों के साथ खेले आपकी फीलिंग्स हर्ट करें, तो ऐसा कभी ना होने दें। ये गेम में आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए था जब पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, सही है, जिस टाइम में आपको हिटर की ज़रूरत थी, आसिफ अली जैसे बेहतरीन हिटर, उसने कितने मैच जितवाए यार, उसे अपना एक नाम बनाया, आपने उस बंदे को बिठा के रखा, आप शादाब को भेज रहे हो, हैदर को भेज रहे हो, सही है, और वो इफ्तिखार है कौन कौन है। अब आप एनलिस्ट कहें ना, दूसरी तरफ आप टीम जिससे खेल रहे हैं उसे टॉप क्लास प्लेयर हैं, वर्ल्ड टॉप क्लास प्लेयर, पांड्या, कोहली, कुमार बॉलर, उनके बॉलर्स को देखें कितने उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आई, उनकी फील्डिंग अच्छी है। तो यार एक मेजरमेंट भी होता है ना, मतलब दुआ से हर चीज़ नहीं चलती, एक हिसाब किताब भी होता है कि दोनों चीज़ें बैलेंस हो तो फिर मुकाबला होता है। खैर, बस मैच शाह हो गया ख़त्म, इसकी टेंशन नहीं लें। और जिम्बाब्वे ने जो किया, जिम्बाब्वे के सिकंदर बंदे ने बहुत अच्छा अपना आउटपुट दिया, बहुत अच्छा गेम खेला, तो भाई जो मेहनत करता है वो जीतता है। खैर, आज हमारा लेग का वर्कआउट है और लेग डे है, तो अभी प्री वर्कआउट में मेरे पास ये बॉयल एग्स रखे हैं और सैंडविच है, चिकन सैंडविच, तो ये प्री वर्कआउट में लेंगे और इसके बाद जो है आप जिम जा रहे हैं तो लेग का वर्कआउट करेंगे, आपको दिखाएंगे। और लेग वर्कआउट के साथ साथ जो है मैं सोच रहा हूँ आज ट्राइसेप भी कर लूँ, क्योंकि आजकल काफ़ी टाइम जिम के लिए कम मिलता है, थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है। तो अभी चलें, फिर मिलते हैं जिम में, दोनों चीज़ें करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, पीस आउट।
लेग्स डे बच्चों का खेल नहीं है, लेग्स डे सही मर्दों का खेल है, बच्चे बच्चों का काम नहीं है। जो जुम्मा जुम्मा 7 दिन हुए होते हैं ना जिनको जिम आए हुए और वो लोगों में लेक्चर डाल रहे होते हैं, तो ये वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में लेग्स नहीं लगाए होते। तो लेग्स डे बच्चों का खेल नहीं है। अभी जैसे मैंने लेग्स लगाया है तो लिटरली ना मैं से सीढ़ियाँ उतरी जा रही थी और ना गाड़ी चलाई जा रही है। तो लेग्स डे को कभी छोड़ें नहीं, और लेग्स डे तभी लगाएं जब आपका रेस्ट डे भी हो। तो अपना ख्याल रखें, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, पीस आउट।